नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विड्रॉल फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। और दोस्तों, ये विड्रॉल फॉर्म होता है पैसा निकालने का काम आता है। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है, तो आप इस विड्रॉल फॉर्म से पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस फॉर्म को कैसे भरना है। और दोस्तों, आप चाहे तो इसको हिंदी में भर सकते हैं, चाहे तो आप इसको इंग्लिश में भर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे ऊपर शाखा यानी ब्रांच, यानी आपका जहाँ पर भी ब्रांच होगा सिंपली क्या करेंगे, यहां पे अपना ब्रांच नेम टाइप करेंगे। आपका जहां पे ब्रांच होगा सिंपली अपना ब्रांच नेम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको इधर देखने मिलेगा डेट, यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, आपको अपना डेट को यहाँ पे टाइप करना। यहाँ पे गाइस आपको ध्यान देना, यहाँ पे आपको फुल डेट टाइप करना। जो भी डेट होगा आपका यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अपना यहाँ पर फुल डेट टाइप करेंगे। जो भी आपका डेट होगा सिंपली यहाँ पे अपना डेट को टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना देखने मिलेगा ईयर, यहाँ पर अपना ईयर टाइप करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखने मिलेगा राशि, यानी आप कितना राशि निकालना चाहते हैं, कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना, जैसे मैं 5000 निकालना चाहता हूँ यानी 5000, तो सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ 5। सिंपली यहाँ पे 5000 आपको लिखना, जितना भी आप निकालना चाहते हैं यहाँ पे आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको ओनली भी लास्ट में लिखना है, ओनली। उसके बाद वही आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है 5000, जितना निकालना चाहते हैं सिंपली लिखेंगे, इस तरह ऐसे करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखने मिलेगा अकाउंट नंबर, इस बॉक्स में क्या करेंगे, आपको जो भी आपका SBI का अकाउंट नंबर होगा सिंपली यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, अभी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका जो भी जितना भी अकाउंट नंबर होगा यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखने मिलेगा सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी जिनके नाम से अकाउंट है उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, यानी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सारा कुछ फिलअप करने के बाद यानी सारा कुछ भरने के बाद गाइस आपको क्या करना, आपका जो बैंक का पासबुक होगा, पासबुक और आपको ये विड्रॉल फॉर्म को साथ लेके जाना बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद आपको गाइस वहाँ हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि आपको पीछे भी सिग्नेचर करने बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, अपना यहाँ पे पीछे भी सिग्नेचर करने करने कभी कभी बोला जाता है, तो सिग्नेचर यहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जिस तरह से मैं बताया, यहाँ पे अपना ब्रांच नेम लिखेंगे, जहाँ पे भी आपका शाखा होगा उसका जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही अमाउंट को आपको यहाँ पे लिखना अंक में। उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। तो आपको क्या करना, अपना सारा कुछ भरने के बाद आपको अपना पासबुक और इसको लेके जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको जहाँ भी कैशियर होगा, कैशियर काउंटर होगा, यानी आपका जो बैंक अकाउंट होता है वहाँ कैशियर काउंटर होता है, वहाँ पे जाएंगे, इस फॉर्म को देंगे और अपना पासबुक को देंगे और आपका यहाँ पे जितना भी अमाउंट फिलअप रहेगा उतना अमाउंट आपके हाथ में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से बड़ी आसानी से SBI बैंक से विड्रॉल फॉर्म को भर के अपना अमाउंट को निकाल सकते हैं, यानी पैसे को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस तरह का हेल्पफुल जानकारी और लेना चाहते हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरीज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।